नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राजेश पोरवाल। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। प्रियंका गुड इवनिंग, नीलम गुड इवनिंग, स्टार्क स्टार्क से अच्छा तुम अपना नाम रख लेते, सार्क ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस वक्त। ठीक, सभी को गुड इवनिंग। सब लोग फटाफट लाइव आ जाएं और शेयर कर दें सभी लोगों को। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस वक्त एक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच लेकर आए हैं, जिस बैच का नाम है मिशन खाकी, यानी कि खाकी वर्दी जो है वो अब किसकी होगी, तो हमारी होगी। केवल मेरी नहीं कहना है, हमारी कहना, क्योंकि हम सब उस पर अधिकार रखते हैं और हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ, शेयर कर दो बेटा फटाफट। जय श्री राम। सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, यानी कि इसमें हम लोग प्रैक्टिस की क्लास करेंगे और उसमें हम देखेंगे कौन सा आंसर सही है। और आप लोगों को बता दें, जो हमें सबसे पहले सही जवाब बताएगा, हो सकता मैं उसी का केवल नाम लूँ, सबका नाम ना लूँ। तो सबसे पहले और सबसे तेज आंसर बताना है आप सभी लोगों को। वैसे यूपी पुलिस का मिशन खाकी जो आप लोगों का चल रहा है, ये बहुत ही सस्ते में चल रहा है, 151 रुपये में। इतने का तो तुम लोग क्या कहते हैं, नारियल पानी पी जाओगे, इतना सस्ता है। ठीक है, और दूसरा एक मिशन खाकी यूपी पुलिस का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में कौन सा एजुकेटर यानी कि कौन से टीचर किस हिसाब से पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, फटाफट हमें कमेंट करके बताना शुरू कीजिए, बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि मानव त्वचा है यानी कि ह्यूमन स्किन इज, एक कोशिका है या एक ऊतक है या एक अंग है या उपर्युक्त में से तीनों नहीं है। तो बताइए इसका फटाफट आंसर। पहले नहीं सर, पहले बताना चाहिए था, बताइए फटाफट। पढ़े नहीं सर, फटाफट आंसर बताइए इसका सही जवाब क्या है। यानी कि देखते हैं, जिसका सबसे पहला सही जवाब आएगा उसी का केवल आंसर कंसीडर होगा। तो सभी लोग फटाफट स्पीड में आंसर दें। वैसे अभी तक मुझे किसी का भी सही जवाब नहीं मिला है, मैं बता देता हूँ फिर इसका सही जवाब क्या होगा। गुड इवनिंग। इसका सही जवाब की अगर बात करें तो इसका आंसर है एक अंग है। स्किन की अगर हम बात करें, यानी कि जो यहाँ पे हमारी त्वचा है, स्किन की अगर बात करें, तो ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी में कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम आंसर लगाते हैं कि स्किन है। इसका मतलब स्किन जो है वो एक प्रकार का क्या है, अंग है। क्या है? अंग है। तो स्किन की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का क्या होगा, अंग होगा। अब स्किन की के बारे में थोड़ा समझते हैं। स्किन के बारे में अगर देखें तो जो हमारी स्किन होती है यानी कि त्वचा, इसमें तीन लेयर होती हैं। सबसे ऊपर की लेयर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। बीच की जो लेयर होती है उसका नाम है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली उसको कहा जाता है, जैसे हमारी स्किन है, इसके बीचों बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके फायदे भी नुकसान भी। फायदा क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर की गंदगी जो है वो शरीर से बाहर तो निकल पाती है, लेकिन बाहर की गंदगी शरीर में नहीं जा पाती, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली के कारण ही ऐसा होता है। सबसे नीचे की जो लेयर होती वो होती डर्मिस। क्या होती बच्चा? डर्मिस। इसी डर्मिस में तुम्हारे पाई जाती है तेल ग्रंथि। इसीलिए कहा जाता है कि मानव की स्किन क्या होती है, यानी कि जब आप कहते हो हमारी स्किन ऑयली है यानी कि तेल वाली स्किन है, इसका मतलब आपके स्किन में क्या है, इसका मतलब आपके स्किन में क्या है, तेल ग्रंथि है, जिसके कारण क्या होता है, उससे तेल निकलता है। कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।
इसके अलावा अगर देखें तो एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है स्वेद ग्रंथि। स्वेद का मतलब होता है पसीना, यानी कि ये ऐसी ग्रंथि है जिससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। अब आपसे कल को कोई क्वेश्चन कर दिया जाए कि जो पसीने की ग्रंथि है वो किस में पाई जाती, तो आंसर हमारा क्या होगा, स्किन में। स्किन के कौन से लेयर में पाई जाती, तो आंसर क्या होगा, डर्मिस में। एक और चीज जान लीजिए, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि त्वचा का अध्ययन क्या होता है, तो त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, अरे भैया, त्वचा का अध्ययन की अगर बात करें क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी, यानी कि जो हमारा त्वचा है, स्किन है, इसका अध्ययन डर्मेटोलॉजी होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए फटाफट। लिखा राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, नन ऑफ द अबव होते हैं, तो बताइए राइबोजाइम्स क्या होते हैं। सभी लोग आंसर बताइए फटाफट, स्पीड में सब लोग बताइए आंसर, राइबोजाइम्स क्या होते हैं। राइबोजाइम्स की अगर बात करें तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं, इसका आंसर भाई फटाफट स्पीड में बताइए। वैसे आप लोग जो हमें आंसर दे रहे हैं वो आंसर आपका सही नहीं है, इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, वो होगा आरएनए। आरएनए की अगर बात करें तो जो राइबोजाइम्स होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन पाए कहाँ जाते हैं, तो आरएनए में पाए जाते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसके साथ साथ एक होता है डीएनए। डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का काम क्या, डीएनए के काम की अगर बात करें तो जो हमारे जेनाइटल सिम्टम होते हैं, जेनाइटल सिम्टम का मतलब ये है, यानी कि जो हमारे अनुवांशिक लक्षण है, अनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या है, अगर हम अनुवांशिक लक्षण की बात करें, जैसे आप हो, आपको मान लो किसी व्यक्ति को, आप में से किसी को छह उंगली हैं, अब छह उंगली हैं, कल को जब आपके बच्चे होंगे उनको अगर छह उंगली हो गई, तो इसका निश्चित रूप से मतलब ये हुआ कि उनमें क्या, उनमें यानी कि निश्चित रूप से क्या, ये जेनाइटल सिम्टम हो गए, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाते हैं उसी को कहा जाता है क्या, जेनाइटल लक्षण। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो इसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन है, लिखा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, नोक है, मध्य भाग है, पीछे का भाग है, किनारे के भाग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मानव जो जीव होती है, मानव की जो जीव होती है, इसके सबसे पीछे का कौन, मतलब इसका कौन सा भाग है जो कड़वाहट के लिए जिम्मेदार है। अब बहुत लोग कड़वा का मतलब क्या समझते हैं, बहुत लोग कड़वा का मतलब समझते हैं मिर्च का स्वाद, लेकिन बच्चा ये मिर्च का स्वाद नहीं, ये स्वाद है करेले का। मिर्च जो होता वो क्या होता, तीखा होता, करेला लिखा, केरला नहीं लिखा। तो यहाँ पे अगर कड़वाहट की बात करें तो ये बच्चा जो कड़वाहट का भाग होता वो होता है किनारे का भाग, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी किनारा नहीं, इसका होगा पोस्टीरियर, यानी कि पीछे का भाग होगा, थोड़ा हिंदी अंग्रेजी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये जो पोस्टीरियर हिस्सा होता है जीभ का, जो किनारे के भाग होते हैं, वहीं पे आपको क्या महसूस होता, कड़वाहट महसूस होती। आपके जीभ के जो पिछला हिस्सा होता वहां आपको तीखापन महसूस होता, यानी कि मिर्च का स्वाद महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, लिखा मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों में कौन से अंग से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, फटाफट बताइए। मौसम ताहिर, यस सर, गुड परफॉर्मेंस, का है बेटा जवान निकाल रहे हो, फिर गलत, आज हो क्या कर रहा है मेरे साथ बेटा, आज तुम लगता है भटक गए हो।
चलिए तो इसका आंसर बताइए फटाफट। एक भी सही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सही होगा, धीरे धीरे सही होगा। किसी काम को एक दिन में कोई नहीं सीखता, हम लोग जब रेगुलर मेहनत करते रहेंगे तो क्या होगा, हम चीजें सीख जाएंगे। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है, फटाफट बताइए। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर अब हम बता देते हैं। वैसे कुछ लोगों ने हमें आंसर दिया है, जितने लोग आंसर दिए सबका आंसर गलत ही है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या, स्टमक। अब आप पूछेंगे क्यों, तो देखिए अगर हम देखें तो पहले नंबर पे हमारा आता है माउथ, यानी कि पहले नंबर पे हमारा मुंह आता है। मुंह में अगर देखें तो मुंह में टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन जो है ये बच्चा, टाइलिन की अगर बात करें तो टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन जो हमारा है ये स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। किसको, स्टार्च को माल्टोज में, यानी कि मुंह में जो पाचन की व्यवस्था है उसमें स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा जाता है। स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो अब इसके बाद दूसरा अंग हम देखते हैं कौन सा हमारे शरीर में पाचन का आता है, तो दूसरा अंग जो आता है स्टमक। कौन सा अंग आता है, स्टमक। स्टमक का मतलब है आमाशय। आमाशय क्या होता है, जिसको आप साधारण भाषा में पेट कहते हो। स्टमक से अगर हम देखें तो इससे बच्चा तीन एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये पचाता है प्रोटीन को। लो बच्चा, यानी कि तुम्हारा आंसर मिल चुका है। आंसर क्या मिल चुका, पूछा गया कि प्रोटीन का पाचन होता कहाँ, तो आमाशय जैसे हम आए, आमाशय में दिखा हमें पेप्सिन जो किसको पचा रहा, प्रोटीन को। यानी कि प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत होती वो कहाँ से होती है, स्टमक, यानी कि आमाशय से होती है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आमाशय यानी कि स्टमक। यहाँ तक क्लियर है, सर मेरा आंसर सही है, मौसम ताहिर बाबू बाद में तुमने आंसर दिया, हम भी मास्टर हैं, सब पर ध्यान रहता। अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट बताइए। लिखा है मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य की मुख गुहा में, मुख गुहा का मतलब होता गड्ढा, जैसे तुम अपना मुंह फैलाओ, फैलाना नहीं है तो एक गड्ढा जैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि उसी को हम गुहा बोलते हैं। उसको अगर गुहा शब्द जो है अगर आप हिंदी पढ़ते होगे तो वो तत्सम शब्द होता है, तत्सम है। और तत्सम होने के कारण इसको हम लोग क्या किए, तद्भव में कन्वर्ट किए, और जो तद्भव बनाए वो होते हैं गुफा, यानी कि गुहा शब्द जो है वो गुफा में कन्वर्ट हो गया। गुफा मीन्स गड्ढा होता है, आप जान सकते हो, आप जानते हो ना, छोटा बड़ा पढ़े उसमें सा हा छा त्रा ये सब खाली होते हैं, खाली का मतलब संस्कृत यानी कि तत्सम है। तो गुफा, गुहा शब्द तत्सम होता है, इसलिए गुहा का प्रचलन ना होने के कारण हमें जानकारी नहीं हो पाती। फटाफट बोलिए, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं किसका आंसर सही है। तो इसका सबसे पहले सही जवाब जो आया है नीलम चौहान का, गुड। यहाँ पे अगर देखें, देखो बेटा सही होना शुरू हो गया, अब जायज सी बात है, जन्म से तो हम भी बायोलॉजी नहीं सीखे थे, हम भी धीरे धीरे क्लास करना शुरू किए, हमको भी आ गई। आप भी जब धीरे धीरे क्लास करना शुरू करोगे आपको भी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। अभी हमने बताया है जेस्ट कि जो हमारा माउथ होता है, माउथ में कौन सा एंजाइम है, माउथ में है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन है। और टाइलिन किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। स्टार्च क्या हमने बताया, स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जो मीठा चीज हो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो पाचक एंजाइम नहीं। सभी लोग आंसर बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं। सर मुझे साइंस कम आती, कोई बात नहीं देवी जी, आप जुड़ेंगी क्या कहते हैं, आपको रेगुलर आना शुरू हो जाएगी। फटाफट बताइए आंसर, स्पीड में बताओ भाई, आप लोग इतना स्लो डाउन क्यों हो जाते हो, फटाफट स्पीड में बोलने का प्रयास करिए। बोलिए फटाफट बोलिए।
तो यहाँ पे देखते हैं लिखा कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की अगर बात करें, वैसे इसका आंसर सबसे पहले जान लीजिए, इसका आंसर जो सही होगा वो होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है ये कोई एंजाइम नहीं होता। बहुत लोग ये सोचते हैं गैस्ट्रिन जो है ये गैस्ट्रो से रिलेटेड तो हो सकता, लेकिन नहीं है। यहाँ पे अगर देखें बच्चा, अब हिंदी वालों के लिए थोड़ा बता देते हैं, जिसका नाम बायोलॉजी में हिंदी में ना लिखा हो तो आप समझ लीजिए बेटा उसका अंग्रेजी वाला नाम ही हिंदी में है। अब ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि नाम जो होता है यानी कि नाउन, नाउन का हिंदी इंग्लिश से कोई संबंध नहीं होता। अब जैसे मेरा नाम राजेश पोरवाल है, तो अगर हम कहें मेरा नाम अंग्रेजी में क्या, तो अंग्रेजी में भी नाम राजेश पोरवाल। जैसे किसी का नाम मान लो कन्हैया है, तो भैया तुम्हारा नाम हम पूछें इंग्लिश में क्या, तो भी बताओगे कन्हैया है। तो इंग्लिश हिंदी नाम में नहीं होता है, जो यहाँ पे लिखा हो अगर समझ लो हिंदी नहीं लिखी तो आप समझ जाइए वो नाम है। यहाँ पे अगर देखें तो गैस्ट्रिन नहीं होता। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये पाया जाता है, ये भी प्रोटीन को पचाता है। जो बच्चा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का मतलब क्या है, अग्न्याशय, यानी कि जो अग्न्याशय हमारा होता है उसी अग्न्याशय से निकलता है। टाइलिन जो है ये बच्चा कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ये माउथ यानी कि मुंह से निकलता है। अभी हमने आप लोगों को बताया दो बार, ठीक, मुंह से निकलता है। इसके अलावा पेप्सिन अभी बताया था, ये स्टमक से निकलता है, स्टमक मतलब आमाशय, तो ये बच्चा आमाशय से निकलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिखा है अग्न्याशय को पाचक रस उत्पादन करने के लिए करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। सब लोग बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अग्न्याशय को एक्टिवेट करता है, यानी कि उत्तेजित कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है कि वो रस स्रावित होना शुरू हो जाए। तो बताइए बोलो बेटा फटाफट, तो इसका आंसर क्या होगा, रेनिन, ट्रिप्सिन या सेक्रेटिन, पेप्सिन, फटाफट आंसर बताओ। देखिए आप लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब आप दिमाग से पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्या कहते हैं एक दूसरे के कमेंट पढ़ रहे हो और स्लाइड पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखिए ट्रिप्सिन जो है अग्न्याशय से निकलता, पेप्सिन जो है स्टमक से निकलता, इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में अगर बात करें तो रेनिन जो होता है ये बच्चा एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है। ये बच्चा दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है उसी केसीन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, केसीन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब यहां पूछा क्या गया, यहां एंजाइम नहीं पूछा गया, यहां हार्मोन पूछा गया, तो बचा हुआ आंसर, बचा हुआ ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा यानी कि सेक्रेटिन। क्या आंसर होगा, सेक्रेटिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सभी लोग फटाफट, लिखा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये बच्चा क्वेश्चन जो है लगभग क्या कहते हैं 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तुम्हारे अगर वर्दी वाले बैच में देखें यानी कि वर्दी पुलिस में अगर देखें तो कम से कम 3 बार ये आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसका आंसर आप नहीं बता पाए तो आप समझ लीजिए बेकार है। सर बस बताइए फटाफट, तो यहां पे अगर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल अमर, सबसे पहला नीलम चौहान का आंसर सही। यहां पे अगर देखें तो क्वेश्चन जब पूछता है कि अधिकांश भाग जो है वो कहाँ पाचन होता है, तो अधिकांश भाग का पाचन बच्चा होता है छोटी आंत में। कहाँ पाचन होता है, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत में ही पाचन होता है। लेकिन अगर पूछ ले छोटी आंत के कौन से भाग में, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी कि जो छोटी आंत होती, अगर इसकी हम बात करें तो ये बच्चा बटी होती 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। पहला भाग जो होता है उसका नाम है डियोडेनम। डियोडेनम, डियोडेनम क्या है, हिंदी में लिख देते हैं इसको,
पहला भाग जो है इसका नाम है बच्चा डियोडेनम, यानी कि ग्रहणी। क्या नाम है बच्चा? ग्रहणी। दूसरा भाग जो होता है उसका नाम है मध्यांत्र, यानी कि मध्यांत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेजनम। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है शेषांत्र, शेषांत्र यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इलियम। तो जो ग्रहणी है इसी में पूर्ण पाचन होता है। अगर पूछ ले छोटी आंत के कौन से भाग में पूर्ण पाचन होता है, तो छोटी आंत की जो ग्रहणी है उसी में बेटा पूर्ण पाचन संपन्न होता है। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताने को। लिखा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतया कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब इसका सिंपल सा एक शब्द में मतलब यह है कि फूड पॉइजनिंग जब होती है तो इंसान का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित कर जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन से अंग को नुकसान होता है। फटाफट बताइए, बोलो मेरे लाल बाल पाल। तो इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन है हार्ट, बोलो, दूसरा ऑप्शन है लंग्स, तीसरा ऑप्शन किडनी, चौथा ऑप्शन है लीवर। तो यहां पे अगर देखें तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, नीलम चौहान का फिर से आंसर सही है। इसका आंसर होगा लीवर। लीवर यानी कि हिंदी में अगर देखें तो इसको कहते हैं यकृत, और उर्दू भाषा में अगर देखें तो इसको कहते हैं जिगर। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन में लीवर नहीं था, इंग्लिश वाले पैटर्न में लीवर था, एकृत हिंदी में नहीं लिखा था, हिंदी में जिगर लिखा था। एक्चुअल में जिगर जो है वो हिंदी भाषा नहीं, वो उर्दू भाषा है। कौन सी भाषा? उर्दू। अरे अपने लोग थे ना जब एकेडमिक क्लास में, तो कहते थे जिगरा हो तो बाहर मिलो। तब लड़कियां मुंह देखती थी, सोचती थी ऐसी कौन चीज़ है जो लड़कों में है लड़कियों में नहीं। लेकिन देवियां सभी जान लें सबके अंदर लीवर होता है। अब जो लोग किडनी बता रहे हैं, किडनी बच्चा ये बताओ, किडनी जो है ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ये तुम्हारे शरीर से यूरिन को फिल्टर करता है, यूरिन यानी कि मूत्र को फिल्टर करके बाहर करता है। और तुम यहाँ क्या कहते हैं, खाने से इसको संबंधित रखे हो, ठीक। हार्ट जो है, दिल जिसको तुम लोग बोलते हो, जिसके पीछे पागल हो, कह दो गुरुजी हम कहाँ पागल हो, तो दिल पागल हो गया है। देखिए अब दिल पागल हो या तुम पागल हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हार्ट जो होता है, हार्ट में केवल ब्लड को पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड को पंप किया जाता है, और इसमें कोई काम नहीं होता। लंग्स की अगर बात करें तो फेफड़े, फेफड़े जो होते हैं ये भी बच्चा ब्लड प्योरीफिकेशन में, ये ब्लड प्योरीफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि प्योरीफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। क्या मतलब होता है? शुद्धिकरण। और यहाँ पे अगर देखें तो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि संचरण जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संचरण। इंग्लिश में अगर देखें तो इसको सर्कुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन। हार्ट जो है वो सर्कुलेशन में भाग लेता है, और जो हमारा क्या कहते हैं लंग्स है, ये किस में भाग लेता है? ये भाग लेता है शुद्धिकरण में। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, लिखा लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। कल मैं लार के बारे में पढ़ाया था, तो आप तुम लोग सभी लोग सही आंसर बताना। लार जो है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? ब्लड प्रेशर। आकाश शर्मा, हाँ गुड। तो यहाँ बताइए किसके पाचन में लार सहयोग करती है? एक तो तुम लोग जल्दी कमेंट नहीं करते हो, हम यहाँ चार बार तब तक बोल देते हैं। बोलिए फटाफट, कितने बजे तक क्लास है? बालक पढ़ते रहो, प्रभु का नाम लो प्रभु इच्छा तक। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नहीं बता रहे हो तुम लोग, बिल्कुल वैसे इस बार गलत कर दिया। लार जो है, लार में ही तो टाइलिन पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करना। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्टार्च आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। लिखा है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? ऑप्शन है ग्लूकोज का अपघटन, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, अंतिम श्वास श्रृंखला,
लास्ट ब्रीथ सीरीज या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, यानी कि जल का ऑक्सीकरण, जल का टूटना। सभी लोग फटाफट बताइए आंसर स्पीड में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर लगभग कुछ सिमिलर कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन जब मिल जाता है तो हमें वही आंसर चुनना पड़ता है। इसकी अगर बात करें तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा बच्चा क्रेब साइकिल। आप सोच रहे हो गुरुजी क्रेब साइकिल कैसे, तो इसको समझा देते हैं। क्रेब साइकिल होती क्या है पहले ये जान लीजिए। क्रेब साइकिल जो है ये बच्चा चलाने वाली साइकिल नहीं, ये तुम्हारे शरीर में ऑटोमेटिक चल रही, ये चल रही जिसके कारण जिंदगी चल रही। जैसे तुम कहते हो हमारी जिंदगी तो चलती जा रही, तो चलती किसके कारण जा रही? इस साइकिल के कारण। तुम्हारे शरीर में एक साइकिल चल रही अंदर अंदर, तुमको पता नहीं। तो यहाँ पे क्रेब साइकिल की अगर बात करें तो क्रेब साइकिल में क्या होता है ध्यान दीजिए, इसमें पाइरुविक एसिड जो होता है, पाइरुविक एसिड का फार्मूला होता है C3H4O3। ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। आफ्टर ऑक्सीडेशन ये ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इस दौरान 30 ATP ऊर्जा क्या होती है, बनती है। ये साइकिल चलती कहाँ, ये साइकिल चलती है माइटोकांड्रिया में। कहाँ चलती है? माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया का नाम तो सुना होगा। हालांकि इसके अलावा ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक जगह और ऊर्जा उत्पादित होती है, जिसका नाम है, दूसरी साइकिल जो है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है, इस साइकिल की अगर बात करें तो इसमें ग्लूकोज जो होता है, यानी कि C6H12O6, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। इसके ऑक्सीडेशन के दौरान बनता है पाइरुविक एसिड C3H4O3, और यहाँ एक वाटर बनेगा, और इस दौरान 8 ATP ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, यानी कि 8 ATP। थोड़ा अभी हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। ये हिस्सा चलता है साइटोप्लाज्म में। देखो समझो अब कैसे क्या होता है साइटोप्लाज्म, देखो इसको समझा देते हैं। हमारी कोशिका में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, हमारी जो कोशिका होती है उसी में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हमारी कोशिका के दो हिस्सों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक हिस्सा जो है ये होती हमारी पहली साइकिल, एक हिस्सा जो है जो कहाँ चलता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस दौरान 8 ATP ऊर्जा बनती है। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक 8 ATP ऊर्जा बनती। और दूसरा चरण जो होता है वो हमारे कोशिका के माइटोकांड्रिया में होता है, जिस दौरान कितने ATP ऊर्जा बने, 30 ATP। हम दूसरी रिएक्शन इसलिए नोट किए क्योंकि क्वेश्चन ने ही पूछा है कि सबसे अधिकतम ATP के अणुओं का उत्पादन किस में होता है। तो भाई पद तो दो चलते हैं ना, दोनों में हमको पता होना चाहिए। तो अब आप देख के बता सकते हो कि किसमें ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा। तो ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन जो यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना 8। तो जो हमारी क्रेब साइकिल है, यानी कि जो हमारा क्रेब चक्र है, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये साइकिल कहाँ चलती है, तो माइटोकांड्रिया में चलती। यही कारण है कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। काव्या मिश्रा गुड इवनिंग देवी जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट फटाफट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। एक सवाल आज हम तुम लोगों से पूछते हैं। देखे जरूरी ये होता है कि हम सीख कितना रहे हैं, जरूरी ये नहीं होता कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। टोटल ATP 46 होती है क्या? नहीं, 30 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो टोटल ATP 38 होता है, याद रखिएगा। देखिए सवाल ये है कि देवियों से ज़्यादा सवाल, क्योंकि गुस्सा देवियों के नाक पे होती है, ऐसा हमने सुना है, हम खुद नहीं कह रहे हैं। ठीक, कहते हैं कि अगर मान लो हम तुम्हारा सवाल जो हमारा है वो ये है कि तुम गुस्सा हो जाओ तुम लोग और खाना छोड़ दो, तो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो, तुम्हारा मानना क्या, कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो, कोई ये भी हमें कमेंट करके बताइए और आंसर भी बताइए। फिर इस आंसर का जब हम तुमको बताएंगे इसका डिटेल, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बताओ फटाफट,
अमर यादव बता रहे हैं सी। अच्छा चलिए, तो चलिए बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब तुम लोग ये बता दो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो, खाना पानी कुछ भी ना खाओ तो, यानी कि हवा के अलावा कुछ नहीं खाना है। इसका आंसर वैसे लीवर सही होगा। लीवर इसलिए सही होगा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज का होना बहुत आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ग्लूकोज का आवश्यक क्यों? आप देखिए, कभी ना कभी किसी ना किसी को लूज मोशन तो हुआ ही होगा। लूज मोशन जानते हो, यानी कि पेचिस हो जाना, कभी ना कभी सबको हुआ होगा। लूज मोशन होता है, पता चले रात में गए दबाक पनीर खा लिए, रात में बैक टू बैक लूज मोशन स्टार्ट हो गए, 5-6 लूज मोशन हो गए। 5-6 लूज मोशन के दौरान सुबह तुम घर में नहीं हॉस्पिटल में दिखना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में अचानक ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, यानी कि तब आपको कृत्रिम रूप से ग्लूकोज, यानी कि डिब्बे वाला ग्लूकोज हॉस्पिटल में दिया जाता है। बॉडी को ग्लूकोज इतना जरूरी, आप सोचिए, अगर कहीं अब जानबूझ के तो हम ग्लूकोज कम नहीं करेंगे बॉडी में, ये भी बात फैक्ट है, ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमें पता है जानलेवा है तो हम क्यों कम करेंगे, हम तो खाते रहेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी पीरियड आ जाए, कि पता चले तुम घर से जा रहे थे बाजार कुछ खरीदने के लिए, रास्ते से कोई उठा ले गया। अब जो जिसने किडनैप किया है वो जायज सी बात है, निश्चित रूप से तुमको कोई रिश्तेदार तो रिश्तेदारी में तो ले नहीं गया, तो तुमको सेवा पानी करेगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन तो क्या करेगा, आपको भूखे प्यासे रखेगा, ना खाना देगा ना पानी देगा। ऐसी सिचुएशन में बॉडी सर्वाइवल कैसे होगी? नेचर ने इसीलिए ये जिम्मेदारी दिया है लीवर को। लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है और स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता, मतलब अपने पास रख लेता है। जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं तो इसी ग्लाइकोजन को फिर से तोड़ता है ग्लूकोज में, और क्या करता है, इस ग्लू जब फिर से इसको तोड़ता है, और फिर से तोड़ने के बाद क्या करता है, इसको हमारे शरीर को प्रोवाइड कर देता है, यानी कि हमारी बॉडी को दे देता, ताकि हमारी बॉडी ऐसी विषम परिस्थितियों में सर्वाइवल बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है बच्चा, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है? समझ में आ रहा है बालकों? अगर कोई बात समझ में ना आए, पानी पीकर 10 दिन से ज्यादा जिंदा रह सकती हूँ, गुड परफॉर्मेंस, पानी पीकर 10 दिन से ज्यादा रहा भी जा सकता है, बताइए। तो इसकी अगर बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं, बताइए। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ट्रिप्सिन होगा, क्योंकि बच्चा लिखा है एरियस, एरियस कोई यूरियस वैसे होना चाहिए, यूरियस कोई एंजाइम होता ही नहीं, सल्फेटेज से भी एंजाइम नहीं, प्रोटीएज से भी एंजाइम नहीं, तो एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन ही केवल, यही एक एंजाइम है जो किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा। ट्रिप्सिन किससे निकलता है? तो अभी बताया था, अग्न्याशय से निकलता है। किससे निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक एसिड का? पित्ताशय में पथरी हो जाती है पता है, तो वो किसका पाचन प्रभावित करेगा अगर पथरी हो जाए? फटाफट आंसर बताओ बेटा, फटाफट बोलिए, गुड इवनिंग, बोलते रहिए, आंसर बोलते रहिए, फटाफट स्पीड में। तो इसकी अगर बात करें तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो होता है बच्चा क्या, फैट। ऐसा क्यों होगा ये भी जान लो। तो ये बच्चा क्या है, पित्ताशय। जो हमारा पित्ताशय होता है, यानी कि पित्ताशय की अगर बात करें तो इसमें क्या हो गई, पथरी। पित्ताशय में भरा क्या होता है पहले ये जान लो, पित्ताशय में भरा होता है पित्तरस। पित्तरस जब निकलता है, पित्तरस का काम क्या, पित्तरस का काम होता है वसा का पायसीकरण करना। अब आप सोच रहे हो गुरुजी ये जो नया शब्द आप बोल रहे हैं पायसीकरण, ये तो हमें नहीं पता ये कौन सा शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? पायसीकरण का मतलब क्या, पायसीकरण का मतलब होता पीसना। अब जिसका पायसीकरण होगा उसको पीसेगा। अब यहाँ पे हमने लिखा है वसा का पायसीकरण, यानी कि वसा को क्या करता है, पीसने का काम करता है, ताकि वसा आसानी से क्या हो जाए,
यानी कि पच जाए। अब सोचो तुम्हारे पित्ताशय में हो गई पथरी, क्या हो गई पथरी। अब ये लड़के लोग ये मत सोचना कि लड़कियों को ही पथरी होती, तुम्हारा ये पथरी ही होती। स्टोन इंग्लिश में कहा जाता मेल है फीमेल हमें नहीं पता। अब ये ना सोचना कि लड़कों में होगा तो पथरा होगा, लड़कियों में होगी तो पथरी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें पथरी हो जाती है तो जो हमारा पित्ताशय है उससे पित्तरस जो होता उसमें स्टोर नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे वसा के पाचन में दिक्कत आने लगती है और वसा का पाचन आसानी से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा लोग, लिखा हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो बताइए, शरीर के उष्मा की हानि करता है, शरीर में नमक की हानि करता है, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि होती, वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों के प्रवेश होते हैं। बताओ फटाफट इसका आंसर बेटा क्या होगा, फटाफट बोलिए आंसर स्पीड में। जो मिट्टी खाता उसको नहीं होती है बेटा, मिट्टी खाने से कभी पथरी नहीं होती, पथरी होती है ऑक्सैलिक फूड खाने से, क्योंकि पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। तो जब जब कोई ऑक्सीलेटिक फूड खाएगा तो होने के चांसेस होते हैं। जैसे बीज वाली जितनी चीजें हैं, टमाटर है, बैगन है, अमरूद है, इन चीजों से खतरा रहता है। बोलिए, तो यहां पर अगर देखें तो इसका आंसर सही क्या होगा, जो हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे वसा होती उसका काम होता है क्या, शरीर की उष्मा की हानि को रोकना, यानी कि शरीर का जो हीट होता उसके लॉस से हमारे शरीर को बचाने का काम करती है। क्या बचाने का काम करती है, वसा। यहां तक बात समझ में आई, तुमने मिट्टी बहुत खाई, मिट्टी जानते हो बेटा कौन लोग खाते हैं, मिट्टी उनको अच्छी लगती है जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हम तुम लोगों को ऐप पे जब पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि लोग मिट्टी क्यों खाते हैं, कुल्हड़ क्यों खाते हैं, दिया क्यों अच्छे लगते हैं, ये सारे कारण बताएंगे, ठीक। क्योंकि कैल्शियम की जिसके शरीर में कमी होती उसी को मिट्टी के बर्तन अच्छे लगते हैं, मिट्टी अच्छी लगती है। इस क्यों अच्छी लगती है ये ऐप पे मिलेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप जानते हो, अब देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है, रोज की जिंदगी में घी घर में कितना भी क्यों ना हो जाए, हमारे घर में पीपा लौट रहे हों घी के कारण, लेकिन कभी घी में हम सब्जी रोज बना के नहीं खा सकते। एक कहावत सुना होगा कि ज्यादा घी जिसके होता वो दिवाले नहीं रंगवाता है। दिवाले रंगवाने का मतलब क्या है, यानी कि दिखाता नहीं, वो अलग कहावत है। दिखावे का मतलब वहां पे दिखावा, लेकिन ज्यादा घी होगा तो घी की सब्जी भी नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता है, विटामिन डी की कमी से ऐसा नहीं होता। बताओ इसका आंसर, पहले बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है अक्षत सिंह। यहाँ पे अगर देखें अक्षत सिंह और साइना आलम, इनका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, जो हमारा घी होता है भोजन में तेल बनाना चाहिए, क्योंकि, तो देखिए तेल बनाना चाहिए, तेल क्यों बनाना चाहिए इसका कारण समझिए, क्योंकि तेल जो हमारा होता है, तेल में हमारे असंतृप्त वसाएं होती हैं। वसा बच्चा दो प्रकार की होती है, एक होती जिसको हम कहते हैं संतृप्त और दूसरी होती जिसको हम कहते हैं असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड, असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड। कॉमन भाषा में अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि संतृप्त का मतलब है कि जिसको हम आसानी से पचा ना सकें, असंतृप्त का मतलब है जिसको हम आसानी से पचा सकें। तो जिसको हम आसानी से पचा सकते हैं वो असंतृप्त होता है, इसीलिए अब तेल जो होता है वो असंतृप्त है, इसीलिए हमें डेली लाइफ में घी की जगह तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आई बात, तुम्हें चाक बहुत अच्छा लगता है बाबू, तो ये गलत बात है, चाक ना खाया करो। 20 क्वेश्चन सभी लोगों को कराएंगे, फटाफट बताइए। लिखा मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, पूछ भैया रही नहीं फिर भी बात हो रही, कोई ऐसा है जिसके पूछ निकल आई हो, अगर निकली है तो हमें बता सकते हो, उसका उपाय बता सकते हैं, पूछ हट जाएगी, बताओ। मेरा राइट था बिल्कुल कन्हैया बाबू, फटाफट आंसर बताओ। नीलम देवी जी आंसर बताइए,
सर कौन सा सही था? बताए तो कौन सा सही भाई, कितनी बार बताएं? देख लो ए ऑप्शन। बताओ फटाफट आंसर बताओ बेटा। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा? नहीं सर, नहीं है पूछ, कोई बात नहीं। अब मान लो जिसको उगने लगे उसका उपाय हम बता देते हैं, कभी भी उग सकती। उपाय यही भैया, घिसना शुरू करो। मजाक कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आज की डेट में किसी को उग ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे शरीर से पूर्णतया विलुप्त हो चुकी है। तो इसकी अगर बात करें तो ये बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये CIA काट दो बच्चा, इसका कोई मतलब नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत। क्या मतलब होता है? बड़ी आंत। तो पूंछ जो है वो बड़ी आंत का हिस्सा था। बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स, नाम सुने होंगे। इसी अपेंडिक्स से जुड़ी होती थी पूंछ। क्या जुड़ी होती थी? पूंछ जुड़ी होती थी। अगला क्वेश्चन बाबू लोग है, लिखा है कि अधिकांश प्राणियों में के जीवित पदार्थ का लगभग 80% है पदार्थ है, यानी कि जो जीवित पदार्थ होता है उसका 80% क्या है? अब हमारा तुम्हारा अलग हो गया क्या? बताओ फटाफट आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल फटाफट बोलिए, तुम लोग आपस में बतिया रहे हो बेटा और आंसर नहीं दे रहे। तो इसकी अगर बात करें तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन ऑप्शन में मान लो ना होता, वैसे आंसर प्रोटीन है, यहां गुड़े का निशान लगाने से मत सोचना कि ये नहीं, प्रोटीन आंसर है। अगर प्रोटीन ना होता तो आंसर सही होता वाटर, यानी कि तो आंसर हमारा सही हो जाता पानी। क्या आंसर सही होता? पानी। लेकिन पानी ऑप्शन में अगर दिया भी होता, मान लो यहां प्रोटीन है, यहां कार्बोहाइड्रेट की जगह ऑप्शन पानी देता, तो आंसर फिर क्या हो जाता? पानी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, यानी कि कौन सी चीज ऐसी जो मानव शरीर में रहता ही नहीं, मानव शरीर से निकल जाता है? तो बताओ आंसर फटाफट। मौसम ताहिर तुम्हारा कमेंट शो नहीं हो रहा, तुम उसको हाइड कर रखे हो बेटा, फटाफट आंसर बोलिए, फटाफट बोलिए। बोलिए आंसर फटाफट स्पीड में बेटा, सब लोग आंसर बोलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो मानव शरीर में कौन सा अंग संग्रहित नहीं रहता, उसकी अगर बात करें तो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? तो अमीनो एसिड बच्चा प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन को नहीं कहते हैं, ये कह सकते हो कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनी होती है। तो प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर में कभी स्टोर नहीं होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए फटाफट। लिखा है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतया हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है। ट्रांस वसा हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है, ऐसा क्यों? तो बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छे मेरे लाल, सब लोग बताओ फटाफट आंसर मेरे लाल बाल पाल। तो देखें इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है HDL। अब HDL का फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपिड, यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है उसकी अगर हम बात करें HDL, तो यहाँ जो HDL हमारा है मोस्टली, तो HDL की अगर हम बात करें तो HDL के कारण ये ट्रांस वसा ऐसी होती है जो नुकसानदायक होती, जो मानव को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती। अब तुम लोग ये बताओ हमें कि समझ में आया है? बोलो समझ में आया बेटा? अगर लगे रहे तो इस बात की गारंटी देता हूँ, हम सब लोग इतना मेहनत करेंगे, सब लोग इतना मेहनत करेंगे कि आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन वर्धनम एकेडमी से छपा हुआ मिले। अब देखो बच्चा, यह हम केवल
कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएं। ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि पेपर बेटा हम लोग सेट नहीं करते हैं, समझ में आई बात? क्योंकि इसीलिए 100% गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 99.99% तो हम गारंटी लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये बिल्कुल याद रखिए और लगातार मेहनत करिए। जब तक आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप समझ लीजिए आप पीछे रहेंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं अभी तो भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं आई तो क्या हुआ, अचानक भर्ती आएगी तो क्या रातों रात तुम विद्वान बन जाओगे? नहीं, पढ़ना तुमको पहले से पड़ेगा। ये नहीं, उस समय जब अचानक नोटिफिकेशन आता तब तैयारी का मतलब है तो शॉर्टकट केवल डिवीजन होता है। अब तुम सोचो अगर तुमको किसी पे बड़ा हमला करना है, यानी कि जिस पे विजय ही पाना चाहते हो, तो उस पे आप पहले से रणनीति बनाना चालू करोगे। ये थोड़ी ना जब तुम्हारा कोई आया गला पकड़ ले तब तुम रणनीति के बारे में सोचो, तब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है तो तुम विजय ही नहीं होगे, तो फिर तुम हारोगे ही हारोगे। इसलिए अगर विजयी होना चाहते हो तो निश्चित रूप से रणनीति आपको अभी से बनानी पड़ेगी, ठीक है बेटा? समझ में आई बात? बोलो सर मेरा क्वेश्चन है कि पेट क्लास में कौन कौन सा क्लास होगा, पेट क्लास में कौन कौन सा क्लास होगा। ये बच्चा आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो कि कौन कौन सा क्लास होगा। ऑफिस का नंबर होगा, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? और आप लोग अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए मिशन वर्दी को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आया सबको? तो चलिए फिर, समझ में आया है तो अच्छी बात है बेटा। और क्या कहते हैं, आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए। मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि आप सब लोग को समझ में आना चाहिए बेहतर तरीके से। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा तो आपको लगता कि हम मेहनत से पढ़ाते हैं, तो आप अपने दोस्तों को जरूर भेजो ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती, हम इधर से बजाते रहें, आप अगर हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक? सुर तभी निकलते हैं जब श्रोता और वक्ता दोनों अच्छे हों। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 2023 ये इसका गुरुदक्षिणा शुल्क सिर्फ 151 रुपए है। इस 151 रुपए में आपको बहुत सारी फीचर्स मिलेंगी। क्या क्या फीचर्स हैं? लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्यूशन रहेगा, सेक्शनल टेस्ट रहेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, PDF नोट्स रहेगा, और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की